आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया है, जिसमें बताया गया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ मामले दर्ज करने लायक कोई सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ ही इस हल्फनामे में कहा गया है कि इस मामले की जांच 7 अगस्त 2013 में बंद की जा चुकी है, जिसमें किसी अपराध की पुष्टि नहीं हुई थी। आदरणीय नेताजी पे या हमारे परिवार पे इस प्रकार का जो झूठा आरोप मढ़ा गया था, वो कौन सी राजनीतिक साजिश करी गई थी पहले से, मैं किसी एक पार्टी विशेष को इस पे नहीं बोलना चाहती हूँ, मगर पहले से जो ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा था उसका सीबीआई ने दमन किया है। मैं उच्च न्यायालय को, सीबीआई को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कोर्ट से मांग की थी कि वो मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट ले, जिसके बाद सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। लेकिन याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सीबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई का ये कदम एक राजनीतिक पैंतरा है। मेरे लगातार रिप्रेजेंटेशन में सीबीआई को देता रहा हूँ टाइम टू टाइम। अब कभी पंचायत के चुनाव होंगे, कभी विधानसभा के चुनाव होंगे, कभी पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन कब होगा, सवाल इस बात का है। और सीबीआई 2007 से उसको किसके परमिशन की दरकार थी। आय से अधिक संपत्ति मामले की शुरुआत 2005 में हुई थी, जब याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और छोटे बेटे प्रतीक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। इस याचिका में कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव ने 1999 से 2005 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।